जय हिंद दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार बच्चों जल्दी से क्लास को जो है शेयर कर दीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं हमारा जो ये ढाकर सीरीज चली हुई है चैप्टर वाइज इसमें जो है सारी हम हरियाणा जी के जो कंप्लीट करेंगे बच्चों तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सारे फटाफट करते हैं फिर स्टार्ट तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का फटाफट जवाब दीजिए बच्चों इसका आपका इंतजार है जवाब का जल्दी से बताइए और क्लास को जो है शेयर करते रहा करो और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो हाँ सभी को राम राम नमस्ते नमस्कार बच्चों सत श्री अकाल तो क्लास को जो है ना फटाफट जवाब दो आप और हम शुरू करते हैं क्लास शेयर करो फटाफट क्लास को एक बार हाँ बच्चों आवाज सही आ रही है एकदम नहीं आ रही हाँ बच्चों आवाज आ रही है क्या क्लियर एक बार बताइए ऑडियो वीडियो दोनों की दोनों आपको सही सुनाई दे रही है कोई दिक्कत है हाँ सभी को नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल दुआ सलाम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों देखिए है फिर ओके है तो ओके तो चलो कर देते हैं फिर स्टार्ट तो देखो बच्चों इनमें से किसे साइलेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा तो बच्चों कौन सा हमारा जो शहर है वो साइलेंस हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा तो ये होगा कुरुक्षेत्र कौन सा कुरुक्षेत्र बच्चों कुरुक्षेत्र को साइलेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा साइलेज आप सभी जानते हो बच्चों क्योंकि आपने अब काफी समय से जो है वो एग्रीकल्चर और पशुपालन पढ़ा है तो उसमें साइलेज आपने पढ़ा होगा कि जो हरा चारा है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक विधि है साइलेज हरे चारे को गड्ढे में दबा दिया जाता है वायु की अनुपस्थिति में रखा जाता है गड्ढे में दबाकर वायु की अनुपस्थिति में रखते हैं जिससे क्या होता है उसके जो लैक्टिक अमल है बच्चों वो कम हो जाता है और जिससे उसका पीएच मान भी कम हो जाता, कम बढ़ जाता है पीएच मान जिससे कम हो जाता है जिससे उसे लंबे समय तक जो हम वो पशु के चारे के रूप में जो सुरक्षित रख सकते हैं तो इसके लिए किसको चुना है कुरुक्षेत्र को क्योंकि कुरुक्षेत्र में तीन हजार एकड़ में जो है मक्का बोया हाँ जाता है बच्चों तीन हजार एकड़ में क्या बोया जाता है मक्का बोया जाता है और लगभग एक, एक हजार एकड़ जो है एक हजार एकड़ में दूसरी जो चारा संबंधी जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं और लगभग डेढ़ सौ करीब जो है वो वहां पे डेरिया हैं तो लेकिन कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जो साइलेज बनाती हो तो इसलिए सरकार ने पहल की है कि कुरुक्षेत्र को जो है साइलेज हब के रूप में विकसित किया जाए किसके रूप में विकसित किया जाए साइलेंज हब के रूप में विकसित किया जाए पिंकू मेला वीडियो क्वालिटी सही नहीं आज क्या हुआ आज बच्चों क्या वीडियो आपको सही दिखाई नहीं दे रही बताइए एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो सही दिखाई नहीं दे रही क्या हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का पंचकुला में होता है बच्चों क्वेश्चन आया था एच ने पूछा था सबसे ज्यादा हरियाणा में मक्का कहां होता है वो पंचकुला में तो कुरुक्षेत्र को और किस उपनाम से जानते हैं बच्चों कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र को महातृत्थ कहा जाता है महातृत्थ की संज्ञा दी गई है इसके अलावा वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा गया वैदिक सभ्यता का पालना ब्रह्मा की पालथी जिसको पलाथी कह गया पलाथी मार के कहते यहीं बैठा था ब्रह्मा और उसने जो है यहीं से सृष्टि का निर्माण किया था तो ब्रह्मा की पालथी भी इसको कहा जाता है इसके अलावा बच्चों आप सभी जानते हो इसको जो है महाभारत का युद्ध स्थल गीता की जन्मस्थली या वैदिक सभ्यता का पालना ये सारे उपनाम जो है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी

ये सारे के सारे उपनाम किसके कुरुक्षेत्र के हैं आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट देखिए स्वर्ग का झरना कहलाती है बताइए इनमें से किसे स्वर्ग का झरना कहा जाता है क्लास को शेयर करते रहो हाँ, सांगवान रोहतक राजनीतिक शहर है अब सारे क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत हो जाए धीरे धीरे सारे आ जाएंगे आगे, आगे आपके स्वर्ग का झरना किसे कहा जाता है बताइए फटाफट हाँ सभी को राम राम अरे शोक रंगा क्या हुआ वीडियो क्वालिटी को यार क्वेश्चन दिखे के ठीक स्वर्ग का झरना जो है वो महम की बावड़ी को कहा जाता है, की जो बावड़ी है ये जानी चोर की बावड़ी के उपनाम से प्रसिद्ध है जानी जो चोर है जानी चोर उसकी बावड़ी जो है वो भी कहा जाता है महम की बावड़ी को जानी चोर की बावड़ी कहते हैं बहुत ज्यादा जो है धन इसके अंदर छुपा हुआ है और इसके अंदर एक सुरंग भी है बच्चों और ये किसने बनवाई थी साजा का एक सूबेदार था सैयद कलाल शाहजा का सूबेदार था सा का सूबेदार कौन था बच्चों सैयद कलाल शाहजा का सूबेदार सैयद कलाल ने इसको बनवाया था ठीक है कब बनवाया था बच्चों सोलह सो में इसको बनवाया था सोलह सो में यह हमें किससे पता चलता है अभिलेख में लिखा हुआ है एक अभिलेख जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है जो कौन सी भाषा में फारसी भाषा में तो उसको पढ़ के हमें पता चलता है कि ये जो महम की बावड़ी से जानी चोर की बावड़ी कहते हैं जो कि स्वर्ग का झरना भी कहलाती है वो किसने बनवाई थी साझा के एक सूबेदार सैयद कलाल ने सोलह सो अठावन उनसठ में इसको बनवाया था और ये किससे पता चला इसके ऊपर एक अभिलेख लिखा हुआ किस भाषा में फारसी भाषा में उसको पढ़ने से पता चला दूसरी बच्चों लखी राय बंजारा की बावड़ी अभी करंट में जिक्र में आई थी बच्चों करंट में जिक्र में आई थी ना कहा पाई गई है ईशरगढ़ कुरुक्षेत्र ईशरगढ़ कुरुक्षेत्र में जो है यह बावड़ी स्थित है बच्चों और इसको जो है ना धरोबर स्थल के रूप में विकसित करने की हमारी सरकार की योजना है तो यह क्वेश्चन आ सकता है किस बावड़ी को द्रोवर सल, स्थल के रूप में विकसित करने की योजना हमारी हरियाणा सरकार बना रही है तो लखी राय बंजारा की जो बावड़ी है बच्चों तो लखी राय बंजारा ने इसको बनवाया था सरस्वती नदी के किनारे लगभग 500 वर्ष पुरानी है 500 वर्ष पुरानी यह बावड़ी है एन एच फोर्टी फोर पे स्थित है बच्चों नेशनल हाईवे चवालीस जो है उस पे स्थित है लखी राय बंजारा की कहां स्थित है ईसरगढ़ कुरुक्षेत्र में पांच वर्ष पुरानी है एच फोर्टी फोर पर स्थित है लखी राय बंजारा नाम का बंजारा था जिसने सरस्वती नदी के किनारे जो है इसको बनवाया था और सरकार हरियाणा सरकार इसको स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है मिर्जा अली की बावड़ी बच्चों मिर्जा अली की बावड़ी कहां है एक बार कमेंट करके बताइए मिर्जा अली की बावड़ी कहां है बच्चों अरे बावड़ी जो है ना प्राचीन समय में क्या होता था पानी की किल्लत होती थी तो बहुत जो हम गहराई में कुएं की तरह जो है उससे काफी चोड़ी जो है वो बावड़ी बनाई जाती थी ताकि पानी वहां एकत्रित एक हो सके और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियां जो है वो लगाई जाती थी बच्चों बहुत सी सीढ़ियां और उसमें कई बार जो है चार और कुछ कमरे वगैरह भी बनाए जाते थे बैठने का स्थान या वहां पर आराम करने का स्थान तो मिर्जा अली की बावड़ी है नारनोड़ में बच्चों कहाँ पे है ये नारनोल में है मिर्जा अली की बावड़ी कहाँ है नारनोल आप सभी जानते हो तालाबों और बावड़ियों का शहर कहलाता नारनोल ठीक है तो इसको किसने बनवाया था अकबर के समय में बनी थी बच्चों अकबर के समय में नवाब मिर्जा अली अकबर के समय की है बच्चों ये अकबर के काल में नवाब मिर्जा अली जो है उन्होंने इसको बनवाया था इसलिए उनके नाम पे मिर्जा अली की बावड़ी ये कहलाती है और ये हरियाणा सरकार के हरियाणा गवर्नमेंट के संरक्षण में है फिलहाल हरियाणा गवर्नमेंट के संरक्षण में है बच्चों ये ठीक है गोस अली की बावड़ी गोस अली की बावड़ी जो है बच्चों ये फरूख शियर जो था उसके शासनकाल में अठारहवीं शताब्दी में बनाई गई थी और यह भारत सरकार के संरक्षण में है भारत सरकार के संरक्षण में है ये ठीक है कर लोगे तो हमारा क्वेश्चन था स्वर्ग का झरना महम की बावड़ी से जानी चोर की बावड़ी कहते हैं वो कहलाती है नेक्स्ट देखिए मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत किसे कहते हैं मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत जो है वो किसे कहते हैं बच्चों बताइए जरा और क्लास को जो है वो शेयर करते रहिए बच्चों विनित पढ़ ले भाई हरियाणा करंट अफेयर की बुक कैसी पब्लिकेशन की आती है वो ले लीजिए पांच सात दिन में नई भी आ जाएगी बुक जिसमें कि अक्टूबर तक का डाटा होगा काबुलबाग मस्जिद बच्चों ठीक है फिरोज साहब तुगलक की हवेली ये फतेहबाद में है यह हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली या हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत जो है वो है फिरोज तुगलक की हवेली फतेहाबाद में किसने फिरोज तुगलक ने बनवाई थी बच्चों जब यान को पुत्र हुआ था फतेह खां उसके नाम पे इसका नाम फतेहाबाद रखा था ठीक है काबुली बाग मस्जिद जो है ये बाबर ने बनवाई थी किसने बाबर ने बनवाई थी बच्चों जब पानीपत की पहली लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में पानीपत की पहली लड़ाई जब जीता था बाबर तो उस जीत की खुशी में इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया और काबुली बाग का भी वहां पे जो, कर, अपनी बेगम जो थी काबुली उसके याद में काबुली की याद में इसको बनवाया था बच्चों किसने बाबर ने बनवाया था ठीक है और डेविड रॉस इसके बारे में लिखता है प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड रॉस ने कहा था कि यह मुगल काल की सबसे खूबसूरत इमारत है मुगल काल की सबसे खूबसूरत इमारत जो है इसको कहा था किसने डेविड रॉस ने यह भी आपको ध्यान रखना बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई आप सभी जानते हो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई इस इसमें हम ज्यादा डिस्कस तब करेंगे जब हम वहां पढ़ेंगे अब तो हम उपनाम पढ़ रहे हैं बुढ़िया का रंग महल यह यमुनानगर में बच्चों बुढ़िया का रंग महल जो है यह यमुनानगर में है ठीक है आप सभी जानते हो लोगढ़ का किला यह भी यमुनानगर में है और यह सिखों की पहली राजधानी है सिखों की पहली राजधानी है यह बुढ़िया का जो महल है किसने बनवाया था बच्चों यमुनानगर में और यमुनानगर को आप सभी जानते हो पेपर सिटी पेपर सिटी कागज नगरी के नाम से जानते हैं कागज नगरी या पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर जाने जाता है बच्चे टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था ठीक है और वर्तमान में नाम यमुनानगर है और यमुनानगर जो है वो हमारी यमुना नदी का प्रवेश दवार भी कहलाता है इसके अलावा जो सरस्वती नदी उसका प्रवेश दवार भी यमुना नगर जो है वो कहलाता है हां राम राम बच्चों सभी को राम राम बिट्टू डूडी सर प्लीज ये बता दो तेरह सो इक्यावन पहले पंद्रह सो तीस बच्चे तेरह सो इक्यावन पहले है इसमें डाउट क्या हुआ अरे भाई ये तो है हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत फिरोज साहब तुगलक तो पहले हुआ था हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत ये पूछिए मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत यही तो आप लोग जो है वो गच्चा खाती इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे पता आपको सारा है लेकिन उसके बावजूद आप लोग अच्छे से आंसर नहीं दे पाते यही कारण है क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते ये हरियाणा की नहीं पूछी हरियाणा का पूछता तो फिरोज साहब तुगलक की हवेली फतेहाबाद होती यह मुगल काल की मुगल काल तो आप समझते हैं बाबर से ही शुरू हुआ था और बाबर ने सबसे पहले यहां इमारत बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद जो कि पहली पानीपत की पहली, पहली लड़ाई के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने बनवाई थी ठीक है तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट देखिए इनमें से किस दुर्ग को मेवात का द्वार या मेवात की ड्योढ़ी जो है वो कहा जाता है किस दुर्ग को मेवात का द्वार या मेवात की ड्योडी के उपनाम से जो है वो जाना जाता है बच्चों सेशन को शेयर करो बहुत कम बच्चे जुड़े आप लग अभी तक हां विक्रम टाक दुनिया का सब आसान सब्जेक्ट हो मैथ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ठीक है हाँ बताइए गुड इवनिंग सभी को बच्चों मटिया बच्चों दुर्ग गिरी गोपाल गिरी दुर्ग जो है गोपाल गिरी दुर्ग ये किसने बनवाया था बलबन ने बनवाया था बच्चों बलबन तो आप सभी को याद होगा बलबन लो रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन जो 1266 में जो है गद्दी पे बैठा था और गद्दी बैठते बैठती उसने सबसे पहला काम क्या किया था गद्दी पे बैठते ही सबसे पहला काम बलबन ने किया था मेवात में बहुत ज्यादा विद्रोह होते थे और मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए सारे जंगल साफ करवा दिए उसने और एक दुर्ग का निर्माण करवाया कोरसा गोपालगिरी का दुर्ग और यहां पे उसने जो है सैन्य चौकी बनवाई क्या बनवाई सैन्य चौकी बनवाई बच्चों इसके अलावा जैसे सोहना रेवाड़ी और भी कई जगह उसने सैन्य चौकियां बनवाई लेकिन जो प्रसिद्ध इतिहासकार है बुलजरो हेक वो क्या कहता है इतना सब करने के बावजूद भी वो विद्रोहों को नहीं दबा सका ठीक है तो गोपाल गिरी का जो दुर्ग है इसे मेवात का द्वार या मेवात की डोडी जो कहा जाता है किसने बनवाया था बलबन ने और बलबन बारह में गद्दी पर बैठता बच्चों और जंगलों को नष्ट करवाया मेवातियों के विद्रोह काफी होते थे उनसे निपटने के लिए और इस स्थान पे गोपाल गिरी में उसने दुर्ग बनवा के सैन्य चौकी स्थापित की और इसके अलावा दूसरे स्थानों पे भी जैसे रेवाड़ी या सोना आदि में भी उसने सारी चौकियां बनवाई असीगढ़ का दुर्ग आप जानते बच्चों तलवारों का किला कहलाता है तलवारों का किला असी जो है उसका तलवार होता है असी जो है तलवार का पर्यायवाची बच्चों याद रखना तलवार तो इसको बनवाने का काम जो है वो अनंगपाल ने किया था किसने अनंगपाल ने जो बच्चों इसको बनवाया था अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के लिए बनवाया था बाद में यहां पे राजा द्रुपद ने तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी राजा द्रुपद ने तलवारों की फैक्ट्री लगवाई थी जिसके कारण ये असीगढ़ का दुर्ग कहलाया बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसका पुनः निर्माण करवाया था बच्चों मटिया दुर्ग जो है ये पलवल में है बच्चों। मटिया दुर्ग कहां है ये पलवल में है कहते इसमें एक सुरंग भी होती थी अब तो कहते इसके अवशेष ही जो है वो बचे हुए हैं बस अगला देखिए शहीद मीनार के उपनाम से किसे जाना जाता है बताइए शहीद मीनार के उपनाम से इनमें से किसे जाना जाता है फटाफट बताइए बच्चों शहीद मीनार कौन सा बताइए तो शहीद मीनार रूपड़ का अथीन की जो मीनार है बच्चों का हथीन अथीन जो पलवल में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है हाथी ज्यादा होने के कारण हस्तिन, हस्तिन जो हस्ती संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथी हाथियों की अधिकता के, के कारण जो ये हथीन हस्तिन से हथीन बन गया और वर्तमान में पलवल में है तो का जो है का की जो मीनार है इसे शहीद की मीनार कहते हैं क्योंकि बच्चों आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए थे वीर आजादी के लड़ाई में जो वीर शहीद हुए थे उनकी याद में यह मीनार बनवाई गई है इसलिए इसको शहीद की मीनार कहते हैं और यह काफी कुछ किससे मिलती है जो मेहरोली में कुतुब मीनार है महल महरोली में जो कुतुब मीनार है लगभग उसके समान है बच्चों और उन्नीस सौ सत्तानवे से यहां प्रतिवर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे से प्रतिवर्ष जो है उन्नीस नवंबर को 19 नवंबर को शहीदों की याद में यहां एक दंगल आयोजित होता है दंगल आयोजित होता है बच्चों ठीक है कोस मीनार कोहंड करनाल में बच्चों कोस मीनार आप सभी जानते हो वो जो है शेर सासुरी ने बनवाई थी यात्रियों के विश्राम के लिए यात्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे उनके विश्राम के लिए शेर सासुरी ने प्रत्येक कोस पे एक मीनार का निर्माण करवाया था और हरियाणा में ऐसी अट्ठासी कोस मीनारे हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोहंड की कोहंड आप जानते हो बच्चों गूगल बॉय उपनाम रह गया था जो रह गए बच्चों बाद में गूगल जो कोटिल्य पंडित है उसका गांव है कोहंड तो यहां पे स्थित है बच्चों ठीक है कौन सी कोस मीनारिस का क्वेश्चन जो सिर्फ पूछा था लाट की मस्जिद कहाँ है हिसार में और लाट की मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी माइल के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था बच्चों नेक्स्ट देखिए अगला सैनिकों का गांव या शहीदों का गांव जो है वो इनमें से कहलाता है कौन सा कहलाता है बच्चों बताइए वेरी गुड बच्चों वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे जा रहे अरे तिगांव है अमर शहीदों का गांव अमर शहीदों का गांव अब इनमें तो ऑप्शन में जो है बच्चों तिगांव ही करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा तिगांव अमर शहीदों का गांव लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन में ही नहीं दिया शहीदों का गांव जो है वो लुदेसर कहलाता है लुदेसर गांव लुदेसर कहां का है सिरसा का अब ये ऑप्शन में नहीं तो इसको कहेंगे आप सभी पढ़ते अमर शहीदों का गांव जो है अमर शहीदों का गांव वो कौन सा है तिगांव फरीदाबाद ठीक है लेकिन सैनिकों का गांव या शहीदों का गांव लुदेसर सिरसा को कहा जाता है बच्चों बहुत सारे सैनिक यहां से युद्ध में काम आए हैं युद्ध में काम आना एक मुहावरा है बच्चों युद्ध में काम आना क्या मुहावरा जिसका अर्थ है मर जाना ठीक है भारत पाक जो युद्ध हुए उनमें भी बहुत शहीद हुए हैं और वहां पे स्पेशल बच्चों एक जो है शहीद स्मारक भी बना हुआ लुदेसर गांव में जिस पे उन सभी जो युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक थे उनकी सौर्य गाथा लिखी हुई है जिससे प्रेरित होकर लोग जो हैं वो युद्ध में जाते द्वितीय विश्व युद्ध में ही बच्चे बहुत सैनिक यहां से जो है वो शामिल हुए थे तो शहीद सैनिकों का गांव शहीदों गांव लुदेसर सिरसा अमर शहीदों का गांव तिगांव फिदाबाद अलगपुरा भिवाणी को किस उपनाम से जानते बच्चों ये भी बता दीजिए क्लास को शेयर करो बच्चों अरे वीडियो सारी कलियर है यार हाँ कृष्ण यादव बताइए लुधियान से कौन सी प्रसिद्ध पर्सनलिटी है अरे वीडियो तो कलियर है भाई हाँ सभी को नमस्ते पढ़ो बच्चों आराम से वेरी गुड वेरी गुड बच्चों अलगपुरा भिवाणी जो है ये बच्चों ब्राजील हरियाणा का ब्राजील कहलाता है हरियाणा का क्या कहलाता है ब्राजील क्योंकि बच्चों ब्राजील फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और हरियाणा में सबसे ज्यादा फुटबॉलर जो हैं वो कहां से आते हैं अलगपुरा भिवाणी से जैसे शाहबाद जो हॉकी का गढ़ कहलाता हॉकी का गढ़ शहबाद सालवन करनाल जो है इसको किस उपनाम से जानते हैं और अलकपुरा से ही जो है सेठ दानवीर छाजूराम जो है उनका संबंध भी यहीं से है दानवीर सेठ छूराम जिन्हें झूठ राजा के उपनाम से जाना जाता है वो भी यहीं से जो है संबंध रखते हैं सालवन करनाल को क्या कहते हैं बच्चों हाँ छाजुराम लंबा है बिल्कुल हाँ ये मेलों का गांव कहलाता है बच्चों मेलों का गांव मेलों का गांव जो है हरियाणा में वो सालवन को कहते हैं और दरेडू कैथल ये और बता दो शावास हाँ अमरिंदर सिंह आपको भी राम राम वाईरो तकिया पिटले यार क्या क्लियर को नहीं बहुत क्लियर दिखा मैंने ने भी दिखा लाग रही है शामी यार कमाल कर दिया जमाए हाँ बच्चों दरेड़ू कैथल बताइए नहीं पता क्या हां वेरी गुड इटली हरियाणा का इटली या मिनी इटली हरियाणा का इटली कह लो मिनी इटली कह लो बच्चों इसको हरियाणा का ब्राजील कह लो या मिनी ब्राजील कह लो मिनी ब्राजील ठीक है एक ही बात है और भिवानी को लिटिल क्यूबा कहते हैं ना मिनी क्यूबा लिटिल क्यूबा क्योंकि क्यूबा से सबसे ज्यादा बॉक्सर आते थे उसी प्रकार भिवानी से सबसे ज्यादा बॉक्सर जो हैं वो आते हैं नेक्स्ट देखिए किसे कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार कहा जाता है बताइए शाबाश इनमें से किसे कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार कहा जाता है बताइए बच्चों आप सभी जानते हो ना कुरुक्षेत्र जो है वो कितने कोष में फैला हुआ था बच्चों कुरुक्षेत्र 48 कोष में फैला हुआ था कितने 48 कोष में फैला हुआ था कुरुक्षेत्र ठीक है 48 कोस में और ज्यादा जो है ना वास्तविक केंद्र अगर आज की दृष्टि से देखें ना आज की दृष्टि से तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल था ना उसका वास्तविक केंद्र कैथर था ठीक है कैथर सही मायने में क्योंकि कैथर वहीं से अलग हुआ बच्चे वो सारी अड़तालीस कोष की जमीन जो कुरुक्षेत्र कहलाती थी पुराने टाइम में तो इनमें से बताइए कौन सा कहलाता है जो दक्षिणी द्वार है बच्चों दक्षिणी द्वार राम राय को कहते हैं और राम राय है जींद में रामराय जो बच्चों जींद में है राम राय को कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार कहते हैं तिरखु जो है ये त्रिखु या यो भी लिख देते हैं तिरखू ये बच्चों कौन सा पूर्वी द्वार है कुरुक्षेत्र का पूर्वी द्वार यह था बच्चों और पीपली जो है यह कुरुक्षेत्र का उत्तरी द्वार था और बाल जो है यह कुरुक्षेत्र का जो है यह बच्चों पश्चिमी द्वार था कौन सा पश्चिमी द्वार बच्चों कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ ना तो 48 कोश का क्षेत्र में कुरुक्षेत्र जो है उसका युद्ध हुआ था उससे संबंधित जो स्थल है वो खोजे गए हैं तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए उसमें चार यक्ष जो है चारों दिशाओं में दिशाओं को निर्धारित करने के लिए चार यक्ष स्थापित किए गए थे एक यक्ष जो है राम जो उसका दक्षिणी बिंदु था पीपली जो उसका उत्तरी द्वार था त्रिखु पूर्वी द्वार और बच्चों बाल जो है ये कौन सा था ये पश्चिमी द्वार था ठीक है कर लोगे नेक्स्ट देखिए अगला दिल्ली का लो द्वार दिल्ली लोह का द्वार नहीं बच्चों दिल्ली का लोह द्वार जो है वो इनमें से किसे कहा जाता है दिल्ली का लोह द्वार जो है वो इनमें से किसे कहते हैं ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार तो आप सभी जानते हैं बच्चों बल्लभगढ़ जिसका वर्तमान राम है बलरामगढ़ ठीक है जहां जो है बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के जो शेर हैं राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह और बच्चों पहली क्लास में हमने हरियाणा के उपनाम पढ़े थे हरियाणा जो उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ नॉर्थन इंडिया इसके अलावा वैदिक सभ्यता का पालना बच्चों वैदिक सभ्यता का पालन कुरुक्षेत्र ऑप्शन तो कुरुक्षेत्र करेंगे नहीं तो हरियाणा को करेंगे इसके अलावा बच्चों देवों की भूमि देवों की भूमि कुरुक्षेत्र को किसने कहा था यह क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों ब्रह्मा की उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी कह लो ब्रह्मा की उत्तर उत्तरवेदी कह लो गेहूं की टोकरी फूड मशीन अनाज की बुखारी खाद्यान्न मशीन ठीक है या खाद्यान्न खान या इसके अलावा मिल्क पेल देश की दूध की बाल्टी सबसे ज्यादा दूध का जो प्रति व्यक्ति उत्पादन हरियाणा में होता है तेरह ग्राम प्रति व्यक्ति इसके अलावा हरियाणा का स्पोर्ट्स हब या सॉरी देश का स्पोर्ट्स हब या देश की खेल नर्सरी इसके अलावा देश की सैनिकों की खान या सैनिकों का घर ये सारे उपनाम जो हैं वो किसके हैं हरियाणा के तो बच्चों हरियाणा को यदुनाथ सरकार ने नहीं कहा देवभूमि तो आर्यो ने कहा था बच्चों, देवभूमि किसने आर्यो ने कहा था देवभूमि आर्यो ने कहा था ठीक है और बहादुरगढ़ जो है यह हरियाणा का प्रवेश द्वार है गेटवे ऑफ इंडिया हरियाणा का प्रवेश द्वार वो क्या है वो बहादुरगढ़ है बच्चों नेक्स्ट देखिए 360 बावड़ियों का शहर फटाफट बताइए और सेशन को शेयर करते रहो बच्चों को शेयर करते रहिए 360 बावड़ियों का शहर जो है वो किसने किसको कहा जाता है ओ वेरी गुड तो बड़े जबरदस्त पढ़ो यार इतने गलत आंसर देने लाग रहे हो यही कहता हूं पढ़ लो बच्चो पढ़ लो क्वेश्चन डे देख लिया करो फिर उसका आंसर दिया करो अरे यार 360 बावड़ियों का शहर पिंजोर है तालाबो और बावड़ियों का शहर नारनोड़ है तालाबों व बावड़ियों का शहर तालाबों व बावड़ियों का शहर जो है वो है आपका नारनोल लेकिन 360 सौ साठ बावड़ियों का शहर कहलाता पिंजोर पिंजोर का प्राचीन नाम था पंचपुर और पंचपुर से बना है बच्चों पिंजोर ठीक है जहां सबसे पुराना जो आदि मानव रहता था उसके सबसे पुराने अवशेष लगभग डेढ़ करोड़ वर्ष पुराने अवशेष यही से मिले पिंजोर से खोपड़ी मिली थी ना कंकाल मिला था और यहां से तीन अभिलेख भी प्राप्त हुए थे लेकिन वो किसको कनिंगम को लेकिन वो तीनों अधूरे अभिलेख है बच्चों उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका सिर्फ इतना पड़ता चलता उनसे इसका नाम जो है पंचपुर होता था जिससे बिगड़ते बिगड़ते पिंजोर बन गया ठीक है और महम जो है भाईचारे का सौहार्द्र भाईचारे का सौहार्द्र जो स्वरूप एक प्रतीक है महम चौबीसी का चुबारा वो कहा है वो है बच्चों महम में ठीक है 360 तीर्थों का शहर बच्चों ये बताइए 360 तीर्थों का शहर इनमें से किसे कहा जाता है तीन सौ साठ तीर्थों का शहर अरे चुबुतरा नहीं हों भाई चबूतरा हो जाए के यारणदीप सांगवाण के लेके वे क्वेश्चन देख लेना डे कुरुक्षेत्र 360 तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र है बच्चों 48 कोष में जो है ना कुरुक्षेत्र फैला हुआ था उसमें 360 प्रसिद्ध तीर्थ बताते हैं लेकिन वर्तमान में उनमें से कितनों की पहचान हुई यह क्वेश्चन आपके लिए 360 तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र बताया जाता है जो 48 कोष में फैला हुआ था वर्तमान में कितने तीर्थों की पहचान जो है वो हो चुकी है बताइए तो मैं तब तक लिख देता हूं इसके उपनाम महातीर्थ संग्रहालयों का शहर संग्रहालयों का शहर ठीक है इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क पार्कों का शहर पार्कों का शहर इसके अलावा बच्चों ब्रह्मा की पालथी इसके अलावा बच्चों धर्म नगरी धर्म नगरी इसके अलावा बच्चों साइलेंस हब सरकार अभी विकसित करेगी ना इसको किस रूप में साइलेज हब के रूप में ठीक है इसके अलावा हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी पहले कौन सी होती थी यह ऑप्शन में ध्यान रखना पहले रोहतक होती थी बच्चों लेकिन मनोहर सरकार ने हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को जो है वो विकसित करने का जो है मन बनाया है बताइए अरे किसी ने कुल बताया धमद्र मनु क्या कुरुक्षेत्र तीन सौ साठ तीर्थों का जो है तीन सौ साठ तीर्थों का शहर कहलाता है तो वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र का अड़तालीस कोष एरिया था उसमें से कितने तीर्थों की जो है पहचान हो चुकी है तमने बताया ही वेरी गुड बच्चो वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे एक सौ चौतीस कितने एक सौ चौतीस और हाट गांव जो है ना जींद का ये अड़सठ तीर्थों का संगम है 68 तीर्थों का संगम हाटगांव किस ऋषि से जुड़ा हुआ है ऋषि ऋषि से दधीची ने जो है ना वो अपनी हड्डियां दान की थी बच्चों असुरों के नाश के लिए एक बाल ब्रह्मचारी जो बाल ब्रह्मचारी है उसकी हड्डियों की आवश्यकता थी और इसके लिए देवताओं ने दधीची ऋषि से प्रार्थना की थी कि आप अपनी हड्डियां दान की, कर दीजिए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था लेकिन उसने कहा था कि हड्डियां दान करने से पहले मैं अड़सठ तीर्थों के जल से स्नान करना चाहता हूं तब देवताओं ने वो सारे अड़सठ तीर्थ जो है वो सारे के सारे वहीं इकट्ठे कर दिए थे सारों की सारों की जल धाराएं वहां जो है मंगवा दी थी देवताओं ने और उससे ऋषि ददीची ने स्नान किया था और फिर अपनी हड्डियां दान की थी ठीक है और उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया था क्या बनाया था वज्र इसलिए इंद्र को वज्र पानी कहते हैं वज्र है पानी में हाथ में जिसके या वज्रायुद्ध कहते हैं वज्र है आयुध हथियार जिसका और उससे राक्षसों का नाश किया था ठीक है तो यहां प्रसिद्ध जो है अटकेश्वर मेला भी लगता है कौन सा लगता है अटकेश्वर कैथल बच्चों गुरुद्वारों का शहर है है ना गुरुद्वारों का शहर कौन सा कैथल सब लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में है तो जिले की बात करें तो जिला तो बड़ा बच्चों लेकिन एक शहर की बात करें तो गुरुद्वारों का शहर है कैथल और कैथल में बच्चों दुनिया का पहला पूर्णतया स्टील का गुरुद्वारा बनाया जा रहा है दुनिया का पहला पूरी तरह स्टील का गुरुद्वारा कहा कैथल में बनाया जा रहा है बच्चों इसके अलावा कैथल को जो है छोटी काशी कहते हैं आप सभी जानते हो किसके कारण नवग्रह कुंडों के कारण कपी स्थल कपी वानर होता है बंदर उनका आवास स्थल कैथल को ही कहा जाता है बच्चों ठीक है सबसे ज्यादा जो चावल की वैरायटी है धान की जो किस्में है वो कहां उत्पन्न होती है कैथड़ में हाँ दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं बताइए दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल इनमें से किसे कहा जाता है हां सचीपति क्या है भाई अनदीप सांगवान क्योंकि उनकी पत्नी का नाम सची है इसीलिए उनको पति कहते हैं इंद्र को इंद्र को मघवा भी कहते हैं इंद्र को शक्र भी कहते हैं ठीक है इंद्र बच्चों जो है सुरेंद्र सुरेश सुरपति देवेंद्र देवेश इंद्र कहलाता है इसके अलावा विडौजा इंद्र कहलाता है विडौजा ठीक है नागपति नाग स्वर्ग को बोलते नाक सोचो न है नाक प्लस अक नहीं है दुख जहां स्वर्ग का स्वामी नाकपति भी जो है वो इंद्र कहलाता है ठीक है हरियाणा का शेख चिल्ली का मकबरा ये दिल्ली सल्तनत काल का बच्चों दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा है गुजरी महल गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था बच्चों ठीक है अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बच्चों जब यहां बियाबान जंगल होता था आप जानते हो ना पहले इसे ईसुकार कहते थे हिसार को क्या कहते थे कहा जाता था हिसार को ठीक है? है इसके बाद जो है यहां किले की स्थापना की तो हिसार ए फिरोजा कहलाया किले की स्थापना इसी के लिए की थी किसके लिए गुजरी के लिए बच्चों क्योंकि यहां बियाबान जंगल होता था और यहां जो है वो फिरोज शाह तुगलक शिकार करने के लिए आते थे तो वहां गुजर जाति के लोग रहते थे उनकी एक लड़की बड़ी रूप सी बड़ी रूपवती थी तो वो जो उनसे उनसे जो फिरोज शाह तुगलक उन पर मोहित हो जाते हैं और उनसे जो है वो प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए तो गुजरी ने कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं लेकिन मैं दिल्ली जाकर नहीं रहूंगी मैं दिल्ली जाकर नहीं रहूंगी तो उसके लिए उन्होंने यहीं पे जो है वो एक किले का निर्माण करवाया फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता किला हिसारे फिरोजा फिरोज का किला तो ये फिर जो है जिसको गुजरी महल कहते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल का इसको ताज ताजमहल इसीलिए कहते हैं ताज महल शाहजा ने अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में बनवाया था ठीक है तो इन्होंने इसी प्रकार अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी गुजरी के लिए बनवाया इसलिए से दिल्ली सल्तनत का ताज जो है वो कहा जाता है ठीक है और बच्चों इसको हीरा हिसारे फिरोजा के नाम से जानने लगे तो इसके आगे से जो फिरोजा है ए फिरोजा वो कब हटाया गया बताइए ए फिरोजा शब्द कब हटाया गया हिसारे फिरोजा इसका नाम था तो ए फिरोजा कब हटाया गया सिर्फ हिसार इसको कहा जाने लगा ठीक है अच्छा और वर्णन में तैयार हो गया था कि बच्चों शेख चिल्ली का मकबरा यह थानेसर में है बच्चों अकबर का जो शासन काल था ना अकबर के समय में अकबर ने अटवाया था यो कि सारे फिरोजा नहीं सिर्फ इशार कहो इसको तब से इसका नाम जो है वो इशार प्रसिद्ध हुआ था ठीक है और गुजरी मैल पे जो है वो आठ अभिलेख जो है वो प्राप्त होते हैं कितने आठ अभिलेख उनसे पता चलता कि किसी पुराने समय में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है वो रहा था क्या हिसार शेख चिल्ली का मकबरा जो है थानेसर में बच्चों किसने बनवाया इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं हरियाणा का ताजमहल या हरियाणा का ताज, ताज। सफेद संगमरमर से बना हुआ बच्चों जो शाहजहा का पुत्र था दारा सिकोह साजा का बड़ा बेटा था ना ये दरासिको ठीक है इसने बनवाया था अपना जो धर्मगुरु थे इनके धर्मगुरु का नाम क्या था शेख चिल्ली शेख चिल्ली या चिहली तो वैसे कह देते थे बच्चों, इसका असली नाम क्या था इसका असली नाम था ये सूफी संत थे सूफी संत अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अब्दुल रजाक सूफी संत अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अब्दुल रजाक उर्फ शेख चिल्ली तो वो जब मर गए थे ना तो उनकी स्मृति में उन्होंने मकबरा बनवाया सफेद संगमरमर से और इसके बारे में डेविड रॉस लिखता है डेविड रोस ने कहा था बच्चों इसको सबसे पहले किसने डेविड रोस जो था ना इतिहासकार डेविड रोस ने क्या लिखा था इसके बारे में कि ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर कृति है ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर कृति है सफेद संगमरमर से बना हुआ है और बच्चों दारा शिकोह ना वो ज्यादातर समय हरियाणा में रहता था आपको पता होगा कहां रहता था उसका निवास स्थान कहां था पलवल में था दारा शिकोह का निवास स्थान कहां था पलवल में था और वहीं पे उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और बच्चों इसका एक क्वेश्चन ये भी आया था 1900 हां ये डेट आप बताओ मैं नहीं बताता आपको इसको राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक जो घोषित किया कब से राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक कब घोषित किया था राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक वो कब घोषित किया था बच्चों ये आप लोग जो है वो बता दो मेरे को शाबाश भाई तेरी एक भी कोनी नहीं हो वह जब तक नौकरी लागेगा पहले नौकरी लाग भाई पढ़ और जिस दिन नौकरी लग गया ना उस दिन लाइन लग जाएगी रिश्ते वालों की चिंता मत कर और नहीं तो फिर यूपी बिहार जो है ना वो खाली पड़ा है चिंता ना करो सर हॉस्टल के लिए कितने हॉस्टल खात्र की है उन्नीस सौ में इसको जो राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित जो स्मारक है वो घोषित कर दिया काबुली बाग मस्जिद मैंने पढ़ाई दिया कि मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत है काबुल बाल बाग मस्जिद इसके बारे में डेविड रोस ने कहा था कि मुगल कालीन इमारतों में सबसे सुंदर है ये सुंदरतम है किसमें कालीन इमारतों में और सीस महल कहां का फरूख नगर का नवाब फौजदार खाने नवाब फौजदार खाने बनवाया था बच्चे है ना और इसे हरियाणा का लाल किला कहते हैं किसकी नकल है ये लाल किले की फुहड़ नकल है ये ठीक है इनमें से किसे मुगल का द्वीप जो है वो कहा जाता है इनमें से किसे मुगल का द्वीप जो है वो कहा जाता है बच्चों तो आप सभी जानते हुए मुगल का द्वीप किसे कहते हैं हाँ छोटा भीम अष्टभुज आकार का है बिल्कुल सही है अष्टभुज आकार में बिल्कुल है वेरी गुड थानेसर को कहते हैं बच्चों मुगल का द्वीप जो है थानेसर प्राचीन नाम था स्थानेश्वर स्थानेश्वर वैसे तो स्वर था पहले ना विस्वर ये था अब बच्चों देखो स्थान प्लस ईश्वर गुण संधि है स्थान प्लस ईश्वर ए प्लस ई मिलके क्या हो गया ए स्थान ईश्वर भगवान का स्थान ठीक है तो स्थानवेश्वर से बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया थानेश्वर बन गया तो यहां स्थानेश्वर महादेव मंदिर है किसको समर्पित है महादेव को ठीक है पीरों फकीरों की धरती कहलाती है बताइए बच्चों पीरों और फकीरों की धरती किसे कहते हैं अरे थानेसर कुरुक्षेत्र में भाई थानेसर कड़े गुरु जी थानेसर है भाई कुरुक्षेत्र में राशा हर्ष की राजधानी होती थी वर्तन वंश जो है उनकी प्रमुख राजधानी थी थानेसर पीरों फकीरों की धरती कहलाती है किसे कहते हैं पानीपत कौन भाई तावड़ू है तावडू जो है इसको पीरों फकीरों की धरती कहा जाता है पानीपत के बारे में तो आप जानते हैं बच्चों पनप्रस्त पन प्रस्त, प्रस्त ठीक है पन जाति ज्यादा रहती थी, थी पाणीप्रस्त या पनप्रस्त कहलाता था ये ठीक है इसके अलावा बच्चों पानीपत को जो है वो हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं क्योंकि दक्षिण हरियाणा दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पानीपत में है इसको वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहा जाता है इसको मेडिसन हब के रूप में जो है सरकार विकसित करेगी बच्चों मेडिसन ऐतिहासिक युद्धों का ऐतिहासिक युद्धों का स्थल जो है ऐतिहासिक लड़ाइयों का स्थान पानीपत जो है वो कहलाता है बच्चों सोडी यार्न का प्रमुख केंद्र सोडी यार्न नकली सूत को कहते हैं उसका प्रमुख केंद्र भी पानीपत कहलाता है बच्चों ठीक है बाकी आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे मजारों का शहर किसे कहते हैं बच्चों मजारों का शहर किसे कहते हैं बिट्टू डूडी अगर आपने ऑफलाइन पता करना नहीं भाई तो ऑफलाइन खातर सतानवे दो सौ अस्सी मन ने ऑफलाइन का को नहीं बीरा भाई गणासा सतानवे दो सौ अस्सी एक सौ सत्तर और सतानवे दो सौ अस्सी एक बयासी एक सौ बहत्तर इन नंबर पे कॉल कर ले ठीक है पानीपत का शाब्दिक अर्थ बतावा पता तो दिया भाई नूह मजारों का शहर जो है वो नू को कहा जाता है बच्चों, नू यानी कि मेवात और तावड़ू जो है पीरों फकीरों की धरती कहलाता है पीरों फकीरों हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम जाति कहां रहती है बच्चों वो नू में रहती है ना पानीपत जो है वो पन पनप्रस्थ कहलाता था या पांडुप्रस्थ भी से कहते थे ये भी कहा जाता है उन पांच गांव में से एक है बच्चों जो महाभारत काल के दौरान युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे जिनमें एक सोनीपत था एक पानीपत भी था तो पणी नामक जाति ज्यादा रहती थी बच्चों पणियों के कारण जो है वो ये पणीप्रस्त बिगड़ते बिगड़ते पणप्रस्त जो है और बिगड़ते बिगड़ते पानीपत कहलाया ठीक है कैथल अभी ही दिया था गुरुद्वारों का शहर जो है कैथल कहलाता है हरियाणा का नैनो सिटी कहलाता है बताइए हरियाणा का नैनो सिटी किसे कहते हैं क्लास को शेयर करो बच्चों सर मैंने ऑनलाइन एच एस बैच शुरू किया था तो ऑनलाइन खातर ऑनलाइन वाला वा नंबर पे करो यार अरे भाई हरियाणा का नैनो सिटी रायपुर कहलाता है किसे कहते हैं रायपुर को कहते हैं बच्चों ठीक है, बच्चो। है? हरियाणा का नैनो सिटी और मोरनी हिल्स जो है ना मोरनी हिल्स इसे पहाड़ियों की रानी कहते हैं पहाड़ियों की रानी मोरनी हिल्स को कहते हैं ना तो हमारे हरियाणा का सबसे ऊंचा जो शिखर है सर्वोच्च शिखर वो मोरनी की पहाड़ियों में ही है ना सर्वोच्च शिखर जिसकी बच्चों एक्चुअल ऊंचाई चौदह सौ मीटर है लेकिन बच्चों हम बार बार पढ़ते हैं और एच एस एस सी भी हमें जो एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है वो क्या है वो थम कमेंट करके बता दो भाई ठीक है नैनो सिटी किसे कहते हैं हा वेरी गुड पंद्रह सो चौदह है एक्चुअल तो पंद्रह जो एच एस सी पूछती है वो पंद्रह सो चौदह देती ऑप्शन में ये ऑप्शन में दोनों आज उस दिन उसकी कर दियो बच्चों चौदह सौ सड़सठ में इतना तो ठीक है दो कोई बात नहीं तो इसे कहता हूं जवाब विवेक से देना है हरियाणा की दूसरी वित्तीय या आर्थिक राजधानी कौन सी बच्चों हरियाणा की दूसरी या वित्तीय या आर्थिक राजधानी जो है वो कौन सी है तो आप सभी जानते हो में भी गलत करें कई कर, बच्चों बताओ भाई क्या करा इनका जिदे कहू रहे में भाई डे पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो ढंगता जवाब देने सीख लियो कि मैं नहीं बिगड़ता अरे या है बच्चों दूसरी आर्थिक राजधानी यह तो हरियाणा की पहली वित्तीय राजधानी है पहले तो एक क्यों होया कर दी या होया कर दी पहली वित्तीय आर्थिक राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल पहली दूसरी का चक्रे कौन था पहले तो अब सीधे पढ़ा कर दे हरियाणा की वित्तीय राजधानी आर्थिक राजधानी कौन सा गुरुग्राम लेकिन ये बना हरियाणा सरकार ने पंचकुला को दूसरी आर्थिक राजधानी विकसित करने की घोषणा कर दी हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी ठीक है या दूसरी वित्तीय राजधानी पहली कौन सी अब गुड़गांव दूसरी कौन सी है पंचकुला इसके अलावा बच्चों इसको मीनी राजधानी भी कहते हैं मीनी राजधानी या छोटी राजधानी हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी तो कहलाता ही है ठीक है इसके अलावा बच्चों एजुकेशन तो सिटी के रूप में भी इसको विकसित करेगी किसके रूप में विकसित करने की योजना हमारी हरियाणा सरकार की एजुकेशन सिटी के रूप में भी इसको विकसित करने की योजना है बच्चों ठीक है तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है तो हरियाणा की मीनी या छोटी राजधानी एजुकेशन सिटी और बच्चों चौधरी भजन लाल इसे हरियाणा का पेरिस बनाना चाहते थे लेकिन अब यह सरकार जरूर बनावेगी वैसे तो तमने बेरा हरियाणा का पेरिस करनाल है करनाल अगर ऑप्शन में ना तब जाइए तब किस पे पंचकूला पे हरियाणा का पेरिस है करनाल लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तब जाना है पंचकूला पे ठीक है तो हरियाणा की दूसरी वित्तीय राजधानी मिन या छोटी राजधानी एजुकेशन सिटी के रूप में भी सरकार इसको विकसित करने जा रही है और हरियाणा का पेरिस जो आगामी ये चौधरी भजन लाल का जो है वो सपना था आप जानते ना उन्नीस सौ पिचानवे में पंद्रह अगस्त को इसे जिला बनाया गया था यह हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है बच्चों फरीदाबाद औद्योगिक नगरी भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है रोहतक बच्चों हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है रोहतक राजनीतिक राजधानी रोहतक है, राज है बच्चों। इसके अलावा सुगर सिटी है रोहतक इसके अलावा बच्चों हरियाणा की पहले सांस्कृतिक राजधानी होती थी लेकिन वर्तमान में हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कुरुक्षेत्र को बनाने की घोषणा की है सरकार ने सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र ठीक है इसके अलावा बच्चों अगर बांगरा क्षेत्र की राजधानी पूछे तो जींद है बांगरा क्षेत्र की राजधानी जींद और जींद में भी उचाणा यह गुरुग्राम के उपनाम है बच्चों गुरुग्राम के उपनाम हरियाणा की आर्थिक राजधानी वित्तीय राजधानी साइबर सिटी सबसे पहले साइबर थाना कहां स्थापित किया गया था गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी बच्चों मॉल सिटी बड़े बड़े मॉल जो हैं वो कहां पे है बच्चों हमारे हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी मनोरंजन सिटी बच्चों मनोरंजन सिटी मेडी सिटी ड्रीम सिटी सपनों की नगरी सपनों की नगरी सॉफ्टवेयर सिटी सोलर सिटी हरियाणा का वैलिकन वैली सिलिकन वैली आईटी सेक्टर का हब कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर ज्वेलरी पार्क उद्योग विहार ये सारे उपनाम किसके हैं गुरुग्राम के उपनाम है बच्चों किसके उपनाम है गुरुग्राम के उपनाम है गुरुग्राम के उपनाम हरियाणा की आर्थिक या वित्तीय राजधानी साइबर सिटी क्योंकि सबसे पहले साइबर थाना हरियाणा में कहा खोला गया गुरुग्राम में मिलेनियम सिटीज को कहते हैं ठीक है, है मॉल सिटी से कहते हैं गुरु का गांव ये तो आप सभी को पता है गुरु का गांव गुरु का ग्राम या गुरु का गांव गुरु द्रोणाचार्य दुरु जो था ना गुरु द्रोणाचार्य दुरु उनके नाम पे जो है कहते हैं इसी स्थान पे वो पांडवों और कौरवों को जो है शिक्षा देते थे ठीक है मनोरंजन सिटी मेडी सिटी ड्रीम सिटी सपनों की नगरी सॉफ्टवेयर सिटी सोलर सिटी हरियाणा की सिलिकन वैली आईटी सेक्टर का हब कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर ज्वेलरी पार्क उद्योग विहार हाँ बच्चों यह अच्छा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है बताइए शाबाश प्रीटिस गेमिंग आप गुड़गांव से तो बहुत अच्छी बात है दीपक वर्मा सर आपकी क्लास का कंटेंट बाकी चैनल से हटके है धन्यवाद दीपक आप हमें इस लायक समझते हो बाकी सभी अच्छे हैं सभी चैनल अच्छे हैं सभी टीचर अच्छे हैं किसी एक को फॉलो कीजिए और उसका पूरा कंटेंट पढ़िए योनी इधर उधर मुंह मारते फिरोगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज का बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन हरियाणा एच पूछ चुके है पानीपत पानी पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जानते हो ना यार्न का इसके भी उपनाम में ही देता हूं कि नकली सूत को कहते हैं बच्चों शॉडी यार्न का प्रमुख केंद्र नकली सूत का प्रमुख केंद्र ठीक है इसके अलावा वीवर सिटी अंग्रेजी में वीवर सिटी हिंदी में बुनकरों का शहर इसको बच्चे इसके अलावा पेट्रोकेमिकल हब पेट्रोकेमिकल हब ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर या ऐतिहासिक लड़ाइयों का युद्ध स्थल ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर और अब सरकार जो है ना इसको मेडिसन हब के रूप में भी विकसित करेगी बच्चों मेडिसन हब ठीक है ये सभी इसके उपनाम है किसके उपनाम है बच्चों ये सारे पाणीपत के हैं ठीक है हाँ पनप्रस्त इसका प्राचीन नाम है ही बच्चों पनप्रस्त ये पणी जाति के लोग ज्यादा रहते थे या पांडुप्रस्थ प्राचीन नाम है पांडवों ने जो है वो बाबार्थ युद्ध से पहले जो पांच गांव मांगे उनमें से भी एक बताया जाता है बच्चों ये ठीक है और, और कोई अगर रह गया तो देख लेंगे बच्चों बाद में सबसे ज्यादा कमलों का उत्पादन यही होता है दरी नगर भी इसको कहते हैं दरी का मेन जो केंद्र है वो हरियाणा का वो यही है कौन सा है पानीपत अंबाला बच्चों आप सभी जानते हो अंबाला मिक्सी सिटी मिक्सी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर वैज्ञानिक नगरी कह लो विज्ञान नगरी कह दें इतना लंबा लिखा है इतना साइंस सिटी विज्ञान नगरी या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर विज्ञान शहर विज्ञान सिटी इसके अलावा बच्चों आप सभी जानते हो ना कि उपकरणों का शहर अंग्रेजी में आज कई बार नाम यो भी ध्यान रख लिया उपकरणों का शहर अप्रेटस सिटी अरे किया है अप्रेटस सिटी ठीक है आमों का शहर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है बच्चों जवाब तो आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हो वेरी गुड बच्चों भीमा देवी मंदिर कहां है बच्चों पंचकुला में इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं क्योंकि जो खजुराहो है ना जिस पैटर्न पे खजुराहो के मंदिर बने हुए ना बच्चों उसी पैटर्न पे बीमा देव मंदिर जो बना हुआ है किस शैली में है ये पंचायतन शैली में है पंचायतन शैली में जो है ये बना हुआ है बच्चों ठीक है और यादवेंद्र उद्यान जो है ये भी कहां है पिंजोर में पंचकुला में इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं उत्तर भारत का नंदनवन उत्तर भारत का नंदनवन जो है यह मुगल काल की मुगल कालीन प्रथम इमारत मुगल कालीन प्रथम वह सबसे सुंदर इमारत सबसे सुंदर इसको किसने कहा डेविड रॉस ने सुंदरतम इमारतों में से एक है डेविड रॉस कहता है इसके बारे में बच्चों ठीक है जो कि ताजमहल के बारे में कहता है कि ताज के बाद सॉरी शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में कहता कि जो ताजमहल है उसके बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है शेख चिल्ली का मकबरा हाँ बच्चों लघु हरिद्वार के रूप में कौन सा प्रसिद्ध इनमें से लघु हरिद्वार के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है बच्चों लघु हरिद्वार के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा घुर द्वार के रूप में पांडु पिंडारा पांडु पिंडारा कहा बच्चों जींद में अरे इसका नाम बदले आगे बालक को बताइये एक बार पांडु पिंडारा का पांडु पिंडारा का बताइय नाम बदले आगे एक मिनट बच्चों मैं पानी पी लेता हूं एक मिनट पानी पी लेता हूं तब तक आप एक मिनट बताइए इसका नाम बदले आगे बदलिया तो क्या रहा है फटाफट कमेंट करो बताइए हाँ, पांडु पिंडारा बच्चों में है ठीक है तो महाभारत के युद्ध के बाद के युद के युद्ध बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का तर्पण यही किया था अपने पूर्वज और सगे संबंधी जो थे ना उनका तर्पण जो है सगे संबंधियों का तर्पण यहीं पे किया था तर्पण बोले तो पिंडदान तर्पणकार था बच्चों पिंडदान यही पे किया था तो पांडवों ने पिंडदान किया इसीलिए पांडु पिंडारा कहलाया क्या कहलाया पांडु पिंडारा कहलाया बच्चों ठीक है और पेहुआ जो, पे पे जो है पेहुआ कहा है इसे हरियाणा का गया कहते हैं पेहुआ क्या कहलाता हरियाणा का गया क्यों क्यों कहलाता है बच्चों क्योंकि गया एक स्थान है बिहार में गया बिहार में एक स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है अगर वहां पिंडदान किया जाए अगर उस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो जो है सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है कहता वही पुण्य अगर पेहुआ में पिंडदान किया जाए तो मिलता है ठीक है इसका प्राचीन नाम आप सभी जानते बच्चे बच्चों दक था एक ना पृथ्दक भी लिखना सीख लो तब मोस्टली यू लिखो पृथु दक जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है ये दो शब्दों से मिलकर बना है पृथु प्लस उदक पृथु राजा का नाम है ठीक है और उदक का अर्थ होता है जल तो राजा पृथु ने अपने पिता वेसु का तर्पण उसका पिंडदान यहां किया था तो पृथु का उदक उसका जल तो छोटाऊ छोटाऊ मिलकर क्या बन गया बड़ाऊ बन गया बच्चों पृथ्वी दक संधि ठीक है वर्तनी में ध्यान रख लियो फल कहा बच्चों में एक चीज और ध्यान रखना बच्चों ये तीनों तीर्थ जो तीनो है ना ये तीनों तीर्थ है कौन से तीर्थ है चाहे आपका पांडु पिंडारा हो चाहे आपका पांडु पिंडारा हो चाहे आपका पेहुआ हो पृथुदक तीर्थ पेहुआ हो चाहे आपका फल हो ये तीनों के तीनों पित्री तीर्थ पित्री है कौन से मतलब पितरों से रिलेटेड तीर्थ है बच्चे तीनों फल गांव में मेला लगता ना कब लगता बच्चों जो फल फलगू का मेला लगता ना फल गांव में कौन सा फलगू का मेला कब लगता जरा कमेंट करके बताना फलगू का मेला कब लगता है फलगू का मेला कब लगता है बच्चों बताना जरा क्लास को शेयर करो बच्चों बहुत कम जुड़े आप लोग अभी तक फलगू का मेला बच्चों हर साल नहीं लगता फलगू का मेला लगता है सिर्फ आसोज महीने की जिसको अश्विन कहते हो आसोज महीने की सोमावती अमावस्या को आसोज महीना होनी चाहिए और अमावस्या भी सोमावती हो तो ठीक है तो इसलिए यह हर साल नहीं लगता फल कैथल में फलगू का मेला कालकता। लगता फल कैथल में यह भी क्या है पिंडदान से संबंधित है बच्चों ठीक है तो ये तीनों के तीनों तीर्थ चाहे पांडुपिंडारा हो चाहे हो चाहे फल हो यह पितरी तीर्थ कहलाते पितरों से संबंधित है ये तीर्थ ठीक है और यहां पे जो फलगु का मेला लगता है वो लगता है महीने की अमावस्या को कर लोगे और बच्चों में बात बता रहा बीच में रहेगी पांडु पिंडारा जींद में है तो पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहां किया था युद्ध के बाद और अपने सगे संबंधियों का और इसके लिए उन्हें 12 साल सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी बारह साल तक सोमावती अमावस्या को लियाई उसके बाद इन्होंने पिंडदान किया था हमारे यहां एक लोकगीत भी ना इनके बारे में हे मोस कुलजुग में हांडे रोज कारू मरगे पांडु मरगे उनने पाई सोमाती मोस इस टाइप का है ना तो बच्चों ये वही पांडु पिंडारा है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है बताइए हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बच्चों कुरुक्षेत्र ठीक है ये ना हो तब हम रोहतक को करेंगे पहले यह होती थी लेकिन हमारी मनोहर सरकार ने जो है वो किसको कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो बनाने का निर्णय लिया है ठीक है और बच्चों जींद जो है जींद जींद हार्ट ऑफ हरियाणा हरियाणा का हरिदय बहुत बार आया ना बच्चों हरियाणा का हरिदय हरियाणा का दिल कह लो हरियाणा का जिगर कह लो एक के बाद है हरियाणा का दिल हरियाणा का जिगर हरियाणा का हृदय हार्ट ऑफ हरियाणा हार्ट ऑफ है हरियाणा कई बार पूछा गया बच्चों सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है सात हरियाणा के और टोटल नो दो कहां के संगरूर और पटियाला पंजाब के इसको मिल्क सिटी भी कहते हैं दूध नगरी मिल्क सिटी दूध नगरी कहलाता है बच्चों प्राचीन नाम आप सभी जानते हो इसका है ना जयंतीपुरी कहते हैं ना कि पांडवों ने इस स्थान पर महाभारत के युद्ध से पहले विजय की देवी जिसका नाम है जयंती देवी उसका मंदिर स्थापित किया था और उससे जो है विजयश्री का आशीर्वाद लिया था जिससे वो मंदिर और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो जयंतीपुरी कहलाया और कलांतर में बिगड़ते 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 जींद बन गया गठन के समय सबसे छोटा जिला होता था और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो गठन से लेके अब तक लगभग अपरिवर्तित है पंचकुला बच्चों पांच कुल पांच कुलय या पंचकूप कुछ कुल बच्चों एक हिमाचल में क्या है एक पानी जल संग्रहण करने की पद्धति है तो पांच कुलए होते थे छोटे छोटे उनके कारण पंचकुला नाम पड़ा हरियाणा की दूसरी वित्तीय राजधानी दूसरी आर्थिक राजधानी इसके अलावा एजुकेशन सिटी के रूप में इसको सरकार विकसित करेगी फिल्म सिटी के रूप में इसको विकसित करेगी इसके अलावा बच्चों इसको आगे हरियाणा का पेरिस भी बनाएगी वर्तमान में हरियाणा का पेरिस जो है वो करनाल है तो इसको मिनी राजधानी भी कहते हैं छोटी राजधानी हाँ यह भी ध्यान रखना मिल्क सिटी जो है वो जींद है लेकिन सिटी ऑफ मिल्क जो है वो कहते हैं बच्चों रोहतक को सिटी ऑफ मिल्क किसे कहते हैं वो रोहतक को कहते हैं बच्चों सिटी ऑफ मिल्क हरियाणा की राजनीतिक राजधानी ठीक है भू आवेष्टित जिला सुगर सिटी हां बच्चों बताइए इनमें से कौन सा स्थान एजुकेशन सिटी कहा जाता है कौन सा स्थान एजुकेशन सिटी कहा जाता है हार्ट एक्टर सवेरे रनिंग खाकर जाना तो जा भाई क्या इलाज है कोई इलाज थोड़ा ही है अब बच्चों देखो अब इसका आंसर जो है ना वो आपको सोच समझ के देना चाहिए एजुकेशन सिटी रोहतक भी है नो no डाउट अकेला रोहतक ऑप्शन में होता तुम ये करते क्योंकि शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण इसको एजुकेशन सिटी या एजुकेशन हब जो है वो कहा जाता है किसका हरियाणा का एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी हरियाणा का कहलाता है बच्चों कौन वो रोहतक शिक्षण संस्थानों के अधिकता कहलाता है बच्चों राजीव गांधी जो एजुकेशन सिटी स्थापित की गई है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो स्थापित की गई है उसके कारण ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहां है ये कुंडली गांव में है कहां पे है कुंडली गांव सोनीपत ठीक है इसके कारण यह कहलाता है और हाल ही में हमारी हरियाणा सरकार ने पंचकुला को भी एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है ना तो एजुकेशन सिटी तो तीनों भाई उपयुक्त सभी इसका आंसर आप दोगे ठीक है हां किसी विशेष कारण के हिसाब से पूछे तो उसका आंसर उसी हिसाब से हम देते जैसे अब यहां बताओ सेम क्वेश्चन है सेम ऑप्शन है बताइए बताइए बच्चों और क्लास जो है वो कम शेयर की बच्चों आप लोगों ने ये गलत बात है आपकी आप अप लाइक भी नहीं करते ये और भी गलत बात है ठीक है ना अब देखो हाँ के एम पी ठीक है कुंडली मानेसर पलवल है भाई चलो बता रे फुल फोरम केवरा कौन से पेपर में आखिर हुआ के से कुंडली एम से मानेसर और पी से पलवल ठीक है अच्छा बच्चों देखो ये कहता है शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण तो शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण होगा रोहतक एजुकेशन सिटी ये सुगर सिटी भी कहलाता है क्या सुगर सिटी भी से कहते हैं बच्चों ठीक है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहलाती है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है ठीक है भू आविष्टित जिला लैंडलॉग दो चरखी दादरी बनने के बाद पहला अकेला था दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है सबसे ज्यादा सात जिलों के साथ कौन बनाता है हरियाणा का जींद छह जिलों के साथ कौन बनाता है बच्चों रोहतक ठीक है, है। सोनीपत को तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण कहा जाता है अब यह बताइए तो अब डी नहीं करेंगे क्योंकि ये कार राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो कि कुंडली गांव सोनीपत में है उसके कारण सोनीपत को कहते हैं बच्चों प्राचीन नाम था स्वर्णप्रस्थ क्या था स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ सोने का शहर है स्वर्ण सोना वह है सोने का शहर अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन सिटी अंग्रेजी में क्या कहते हैं गोल्डन सिटी ठीक है इसके अलावा एटलस सिटी एटलस मंदिर भी है ना यहां एटलस सिटी ठीक है सांगियों व कलाकारों की धरती सांगियों व कलाकारों की धरती किसको कहते हैं सोनीपत को बच्चों ठीक है प्राचीन नाम स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ ये भी कहते हैं उन सात सॉरी पांच गांव में से एक था जो दुर्योधन से पांडवों ने मांगे थे युद्ध से पहले बताइए बच्चों नीर में से किसे मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहते हैं वेरी गुड बच्चों भिवाणी भिवाणी आप सभी जानते हैं बच्चों इसको छोटी काशी के उपनाम से जानते हैं ठीक है भिवाणी को बच्चों आप वस्त्र नगरी के उपनाम से जानते हो भिवाणी को आप बच्चों लिटिल क्यूबा या मिनी क्यूबा के उपनाम से जानते हो भिवाणी को आप बच्चों बॉक्सिंग का पावर हाउस के उपनाम से जानते हो बॉक्सिंग का पावर हाउस ठीक है भिवाणी को बच्चों आप जो है वो सिटी ऑफ वार हीरोज सिटी ऑफ वार हीरोज युद्ध नायकों का शहर सिटी ऑफ वार हीरोज युद्ध नायकों का शहर भी क्या कहलाता है ठीक है तो बच्चों छोटी काशी कैथड़ को भी कहते हैं लेकिन छोटी काशी कैथड़ जो है नव ग्रह कुंडों के कारण है छोटी काशी कैथड़ जो है वो किसके कारण है नवग्रह कुंडों के कारण और ये नवग्रह कुंड जो है ना बच्चों ये युधिष्ठिर ने स्थापित किए थे महाभारत युद्ध के बाद महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने स्थापित किए थे यह नवग्रह कुंड ठीक है श्री कृष्ण के कहने पर इन नवग्रह कुंडों के नाम क्या है हफ्ते के सात दिन हो है ना सातु तो दिनों के नाम ले लो जैसे पहला रविवार है तो सूर्य कुंड रवि किसका पर्यायवाची सूर्य का दूसरा सोमवार हो है सोम किसका पर्यायवाची है चांद का तो कुंड, तो सूर्य कुंड कुंड, मंगल कुंड बुद्ध कुंड बृहस्पति कुंड ठीक है शनि कुंड शुक्र कुंड तो ये हो गए ना कितने सात और दो कौन से एक अरे राहु कुंड और एक केतु कुंड राहु केतु ठीक है तो टोटल नौ कुंडो की स्थापना जो है वो भगवान श्री कृष्ण के कहने युधिष्ठिर ने कब की थी महाभारत युद्ध के बाद पक्षियों का स्वर्ग निम्न में से किसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग जो है वो इनमें से किसे कहा जाता है बच्चों बताइए शाबाश पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है क्लास में शेयर करो बच्चों बहुत कम बच्चे जुड़े थे यह गलत बात है बच्चों सुल्तानपुर झील जो है सुल्तानपुर झील कहां है यह और ऑप्शन में बता दो मेरे को सुल्तानपुर झील कहां है बच्चों सुल्तानपुर झील जिल झील को जो है पक्षियों का स्वर्ग जो है वो कहा जाता हां डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी बच्चों पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी क्यों था ना चस्सी में पीटर जैक्सन ने ठीक है और फिर सलीम अली के प्रयासों से जो है जो इंदिरा गांधी उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी सलीम अली डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जो है इसको जो पक्षियों के लिए संरक्षित जो है वो किया था तो इसका सुल्तानपुर झील कहां है गुरुग्राम में वेरी गुड बच्चों अथीनी कुंड जो है ना इसे मछियारों का स्वर्ग कहते हैं अथीनी कुंड कहलाता मछियारों का स्वर्ग ठीक है अथीनी कुंड है बच्चों अथीन जो बच्चो ये हस्तिन से बना है संस्कृत का शब्द है ना हस्तिन जिसका अर्थ है हाथी हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण जो है यह अधीन कहला यह पलवल में बच्चों कहां पे है पलवल में हाथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण युद्ध नायकों का शहर कहलाता है बताइए शाबाश युद्ध नायकों का शहर किसे कहते हैं हां बर्डमैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली ठीक है सर इसकी पीडीएफ ऐप पे मिलती नहीं है आज चेक करवाऊंगा कई बच्चों की शिकायत रही बच्चों चेक करवाऊंगा जरूर देंगे आपको जब कह दिया ना पीडीएफ मिलेगी तो मिलेगी उसके लिए केसी ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है ना केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप ये आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से ठीक है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वहां मिल जाएगी अगर नहीं होगी तो मैं चेक करवा देता हूं हाँ बच्चों युद्ध नायकों का शहर कौन सा है हाँ भेज देंगे भाई देख एक ऐप चल नहीं रही आज चेक करवाता हूं बच्चों अब देखो युद्ध आपने सारे ने गलत कराया है रूपेश निमरान वीएलडी की साइंस की क्लास उसके लिए आपको अपना दूसरा जो ऑनलाइन ऐप है बच्चों लर्न एट होम वीएलडीए के लिए वो डाउनलोड करना पड़ेगा ये सारे ने गलत दिया बच्चों युद्ध नायकों का शहर बच्चो युद्ध नायकों का शहर जो भिवाणी है क्या है भिवाणी है बच्चो देखो कितना गलत आंसर आप लोग दे रहे हो अंग्रेजी में कहते हैं सिटी ऑफ वार हीरोज यो कि याद होता रहा सिटी ऑफ वार हीरोज है ना अरे वार क्यों है युद्ध हमदा होगा और हीरो नायक हो है सिटी ऑफ वार हीरोज युद्ध नायकों का सहार कौन सा है भिवाणी ईब तो बताया था नी यकीन आंदा, तो देख लो यो देखो यो लिख रख्या सिटी ऑफ वार इज ईसा थोड़ा भूलिए सिटी ऑफ वार इरोज बता रख्या नहीं तो इतना जल्दी लोगे तो कैसे काम चले परीक्षा तो दूर है बच्चों अभी तो अच्छा झज्जर है ना ये शहीदों का शहर है बच्चों जज़्ज़र है शहीदों का शहर है।, है ना झज्जर क्या है शहीदों का शहर है बच्चों झज्जर और झज्जर जो है सुराही के लिए प्रसिद्ध है सुराही को हम देसी भाषा में जजरी का जजरी. जजरी बन्या कर दी ठीक है और बच्चों इसके अलावा एक और चीज प्रसिद्ध है झज्जर की क्या है बताना बच्चों जैसे लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है इसी प्रकार झज्जर किसके लिए प्रसिद्ध है बताना जरा कमेंट करो बच्चों शहीदों का शहर है झज्जर सुराही झज्जरी जो है वो बनाई जाती थी जिसके कारण झज्जर कहलाया ठीक है हां चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों चंदन की नक्काशी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा वो झज्जर ठीक है और लाख की चूड़ियों के लिए आपका प्रसिद्ध है बच्चों महेंद्रगढ़ कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका बताइए कांच की चूड़ियों के लिए और हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद हड्डी की नक्काशी जो है वो हड्डी की नक्काशी इसके लिए फरीदाबाद है और कांच की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है बता दो सर शाबाश कांच की चूड़ियों के लिए कांच की चूड़ियों के लिए रोहतक प्रसिद्ध है बच्चों रोहतक जो है वो रेवाड़ी गज्जक के लिए प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है रोहतक ठीक है अच्छा रेवाड़ी को कहते वीर भूमि वीर भूमि या वीरों की भूमि वीर भूमि या वीरों की भूमि है ना यह रेवाड़ी है बच्चों तो वीरों की भूमि इसीलिए भारत का इजराइल भी कहलाता है भारत का इजराइल कह लो या हरियाणा का इजराइल कहो ठीक है इज़राइल भी कहलाता है बच्चों ठीक है इसके अलावा बच्चों आप सभी जानते ब्रास सिटी ब्रास सिटी भी इसको कह देते हैं ब्रास सिटी पीतल नगरी पीतल नगरी जगादरी भी है ब्रास सिटी ये भी ध्यान रखना इसके अलावा अहिरवाल का लंदन अहिरवाल का लंदन या डुप्लीकेट लंदन भी कह देते हैं बच्चों अहिरवाल का लंदन या डुप्लीकेट लंदन भी जो है तिल्ला जुक्ति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सी तिल्ला जत्ती जुटी उद्योग के लिए हां ये और बताइए बच्चों क्या हुआ सेशन ज्यादा लंबा खिंच गया क्या हाँ, पीतल नगरी कह लो सिटी और पीतल नगरी जो जगादरी भी बच्चों ये भी ध्यान रखना आप हैं हाँ मेहंदी के लिए हीना हीना के लिए प्रसिद्ध अफीदाबाद बिल्कुल शिल्पकारों का कुंभ जो वो कहां लगता है बच्चों शिल्पकारों का कुंभ जो है वो कहां लगता है वेरी गुड बच्चों ए ऑप्शन सूरज कुंड अरे सूरजकुंड का मेला प्रसिद्ध नहीं है क्या सूरजकुंड का मेला किसके लिए है शिल्पकारों के लिए जिसको आप अंग्रेजी में कहते क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन जो है इनका कुंभ जो है वो है सूरजकुंड सूरजकुंड कहां बच्चों फरीदाबाद में और सूरजकुंड जो है झील इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था सूरजकुंड झील का निर्माण करवाने वाला कौन था हां हस्तशिल्प कला लगा की बात है बच्चों हस्तशिल्प कला सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था वेरी गुड अनंग पाल ने करवाया था बच्चों सूरज कुंड सूर्य की आकृति में है वो क्योंकि सूर्य का उपासक था तो सूर्य की आकृति में इसको बनाया गया इसलिए सूर्य कुंड या सूरज कुंड कहलाया सिही ग्राम जो है ना बच्चों ये फरीदाबाद में है ग्राम है फरीदाबाद में यहां हम कह सकते हैं साहित्यकारों का कुंभ साहित्यकारों का कुंभ लगता हरियाणा में तो साहित्यकारों का जो कुंभ है वो सिही गांव में लगता है या इसको साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहते हैं साहित्यकारों का आराध्य स्थल पूजनीय स्थल साहित्यकारों का आराध्य या पूजनीय स्थल पूजनीय गलत होता है बच्चों ये भी ध्यान रखना कदे लिख दो पूजनीय या तो शब्द होता है पूज्य या फिर होता है पूजनीय या तो पूज्य या पूजनीय पूजनीय कोई शब्द नहीं होता ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है ठीक है क्योंकि यहीं पे संत सूरदास का जन्म हुआ था और संत सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं नेत्रहीन थे बच्चों और इन्हें साथ में जो है पुष्टि मारक का जहाज कहा जाता है तिगांव फरीदाबाद में है अमर शहीदों का गांव है तिगांव ये फरीदाबाद में है ये क्या है अमर शहीदों का गांव अमर शहीदों का गांव तिगांव और आज हमने एक और पढ़ा था कि सैनिकों का या शहीदों का गांव वो है लुदेसर सैनिकों या शहीदों का गांव वो क्या है लुदेसर है बच्चों ये कहां है यह सिरसा में है लुदेसर ठीक है और सालवन मेलों का गांव है सालवन करनाल का गांव है मेलो का गांव है बच्चों सालवन नेक्स्ट देखिए संग्रहालयों का शहर कहलाता है बताइए शाबाश संग्रहालयों का शहर सिटी ऑफ म्यूजियम्स सिटी ऑफ म्यूजियम्स संग्रहालयों का शहर जो है वो किसे कहते हैं बताइए हाँ, ये पढ़ चुके हैं कि कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों का शहर कहते हैं कुरुक्षेत्र को महात्रित कहते हैं ब्रह्मा की पालथी या प्रमा का तपोस्थल कुरुक्षेत्र कहलाता है वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र बच्चों ठीक है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र साइलेंज हब के रूप में सरकार इसे विकसित करेगी तो आगे से इसका एक नाम और हो गया साइलेंज हब पार्कों का शहर कुरुक्षेत्र ठीक है बाकी इन सबके उपनाम हम पढ़ चुके हैं अब ठीक है, है। अहिरवाल का लंदन अभी बताया था बच्चों अहिरवाल का लंदन जो है वो रेवाड़ी को कहते हैं किसको कहते हैं रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन या डुप्लीकेट लंदन ठीक है या भारत का इजराइल हरियाणा का इजराइल इजराइल अपनी फाइटिंग के लिए जाना जाता है इसी प्रकार यह भी जाना जाता है यह वीरों की भूमि है वीर भूमि है ब्रास सिटी है अभी बताया था ये सारा जो है ठीक है सबसे ज्यादा सैनिक यहीं से आते हैं ये तो मूलगे सैनिकों की खान देश के लिए सैनिकों की खान हरियाणा है हरियाणा के लिए सैनिकों की खान जो है रेवाड़ी है या सैनिकों का घर और रेवाड़ी के लिए कोसली रेवाड़ी के लिए कोसली कुरुक्षेत्र एच एस सी ने क्वेश्चन पूछा था ना हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक किस क्षेत्र से आते हैं तो कोसली क्षेत्र से कोसली कहां है रेवाड़ी में ठीक है तो रेवाड़ी के लिए सैनिकों की खान कोसली है हरियाणा के लिए सैनिकों की खान रेवाड़ी है और भारत के लिए सैनिकों की खान जो वो सैनिकों का घर हरियाणा है ठीक है क्योंकि सेना में भर्ती होने वाला हर दसवां जवान हरियाणा से जाता है और देश में जो शहीद हुए हैं उनमें से हर पांचवां जवान जो है वो हरियाणा से है और हरियाणा से एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर कौन है बता दो हाँ हरियाणा से एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो है वो कौन है होशियार सिंह मेजर होशियार सिंह ब्रिगेडियर होशियार सिंह बाद में ब्रिगेडियर बन गए थे बच्चों को ब्रिगेडियर उस टाइम मेजर थे ब्रिगेडियर होशियार सिंह एकमात्र परमवीर चक्र विजेता ठीक है शर सिंह दैया सोनीपत से संबंध रखते हैं ना महेंद्रगढ़ जो बच्चों यह महेंद्रगढ़ जो है इसको हम क्या कहते हैं महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ को हम जो खनिजों की खान कहते हैं हरियाणा की खनिजों की खान या खनिजों का भंडार तो जो है वो महेंद्रगढ़ कहलाता है विरासतों का शहर कौन सा बच्चों कमेंट करके बताइए विरासतों का शहर विरासतों का शहर कौन सा है विरासतों का शहर किसे कहते हैं ठीक है और लाख की चूड़ियों के लिए जो है सबसे ज्यादा खनिज जो है वो हरियाणा में कहा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं और लाख की चूड़िया जो है उनके लिए भी प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ बच्चों ठीक है और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे तीन ओर से राजस्थान ने घेर रखा है और राजस्थान के सर्वाधिक चार जिलों के साथ जो है सीमा बनाने का, का काम करता है ये मतलब महेंद्रगढ़ और एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का जिसका मुख्यालय उस शहर के नाम के अनुरूप शहर महेंद्रगढ़ में न होके किसी दूसरे शहर नारनौल में है ठीक है चंदन की नकाशी के लिए प्रसिद्ध झज्जर है बच्चों हड्डी की नकाशी के लिए फरीदाबाद है चंदन की नकाशी के लिए जो है वो झज्जर है हड्डी की नकाशी के लिए जो है बच्चों वो आपका कौन सा है हड्डी की नक्काशी के लिए आपका है फरीदाबाद ठीक है वेरी गुड विरासतों का शहर है नारनोड़ कौन सा बच्चों नारनोड़ ठीक है नारनौल ऑप्शन में ना हो तो फिर महेंद्रगढ़ को हो क्योंकि नारनौल किस के अंतर्गत आता है महेंद्रगढ़ के हरियाणा का एग्रो हब कहलाता है हरियाणा का एग्रो हब जो है वो किसे कहा जाता है बच्चों हरियाणा का एग्रो हब हाँ तालाब और बावड़ियों का शहर भी है बिल्कुल है लेकिन 360 बावड़ियों का शहर जो है वो पिंजोर है ये भी ध्यान रखना है वेरी गुड बच्चों बी नहीं सी आएगा क्या आएगा बी नहीं सी आएगा एग्रोहब बच्चों हरियाणा का धान का कटोरा हरियाणा का धान का कटोरा बच्चों वर्तमान में सीएम सिटी वर्तमान में सीएम सिटी टीम रह रहे सी एम सिटी इसके अलावा हरियाणा का पेरिस हरियाणा का पेरिस ठीक है कर्णालय प्राचीन नाम था कर्णालय करण की नगरी दानवीर करण की नगरी पहला वेल प्लांट बसा हुआ शहर सुनियोजित तरीके से बसा पहला शहर सुनियोजित तरीके से बसा पहला शहर हरियाणा का पहला शहर बच्चों स्वतंत्रता के बाद तो सुनियोजित तरीके से बसाए चंडीगढ़ ये अंग्रेजों के टाइम में बसाया गया था करनाल इसी को कहते हैं एग्रो हब क्या कहते हैं एग्रो हब तो धान का कटोरा बच्चों बासमती चावल के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा त्रावड़ी जो क्षेत्र है बच्चों त्रावड़ी जहां त्राइन के युद्ध हुए थे वो बासमती चावल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और त्रावड़ी के थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार भी दिया गया था ये आपको ध्यान होगा दान का कटोरा सीएम सिटी सूर्य तरीके से बसा हुआ पहला शहर हरियाणा का पेरिस हरियाणा कर्णाल्य कर्ण नगरी लिबर्टी शू का जन्मदाता बच्चों लिबर्टी शू का जन्मदाता तो ये है लेकिन ये बताओ बाटा श्यू कहां होते हैं बाटाश्यू का उत्पादन बाटा श्यू बाटा जो है बाटा के जूते ये कहां उत्पादित होते हैं वेरी गुड वेरी गुड और अवाई चप्पल रहे अवाई चप्पल कड़ा बना है ज्यादा ये और बता दो ये फरीदाबाद में गुड इवनिंग सभी को राम राम नमस्ते नमस्कार बच्चों अवाई चप्पल तो आई थिंक महेंद्रगढ़ में बढ़ती ना सबसे ज्यादा अच्छा बच्चों सिरसा संत नगरी कहलाती है ना सिरसा संत नगरी सिरसा सरस्वती नगरी भी कहलाती है ना सरस्वती नगरी ठीक है सरिस्का प्राचीन नाम था ना सरिस्का सिरिस नामक वन ज्यादा होते थे जिसके कारण सरिस्का कहलाया ठीक है हरियाणा का जो है वो हम ये कह सकते हैं बच्चों हरियाणा का पश्चिमी दवार जो है या पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है सिरसा है हिसार को स्टील सिटी के नाम से जानते हैं स्टील सिटी हिसार है बच्चों, मैग्नेट सिटी भी कह देते हैं हिसार को मैग्नेट सिटी सबसे ज्यादा जो है स्टील का उत्पादन यही होता है और जो हरियाणा के स्टील मैन कहे जाते हैं अरे बिंटू सर हरियाणा में सबसे ज्यादा जो लोहे के पाइप जो है ना बच्चों लोहे के पाइप लोहे के पाइप सबसे ज्यादा कहां बनते हैं लोहे के पाइप जो हिसार में बनते हैं ठीक है अब बाद में तो आपका क्वेश्चन ये भी आया हुआ था लोहे की नलिकाएं का, का उत्पादन लाओ लोहे की नलिकाएं जो है सबसे ज्यादा कहां उत्पादित तो होती हैं वो हिसार में ही होते हैं तो हिसार पर तो स्टील सिटी मैग्नेट सिटी और हरियाणा के जो स्टील किंग कहलाते हैं स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल बच्चों मैं स्टील किंग की बात कर रहा हूं ओम प्रकाश जिंदल वो कहां से संबंध रखते हैं वो हिसार से ही संबंध रखते हैं और उनके बेटे को जो ना अभी स्टिल उद्योग का शायद संघ है आज ही शायद मेरे ध्यान में आया है कल बताऊंगा मैं आपको विस्तार से उनके जो बेटे सजन सिंह है उनको शायद स्टिल जो संघ है उसका प्रमुख बनाया गया और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं वो तो उनका संबंध हिसार से ही है ठीक है तो बच्चों इसको हिसार ए फिरोजा कहते थे क्योंकि फिरोज ने इस किले का निर्माण किया था हिसार ए फिरोजा लेकिन ये फिरोजा शब्द जो है इशार के आगे से अकबर ने जो हटवा दिया था अकबर बोलिया हो रहा है फिरोजा फरोजा इसने सिर्फ इशार क्या करो ठीक है हाँ सबसे ज, अमीर महिला जो है वो बच्चों सावित्री जिंदल को जो है सावित्री जिंदल ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी है और जो नवीन जिंदल हैं जो पूर्व सांसद रहे कुरुक्षेत्र से उनकी मां है नवीन जिंदल ही वो व्यक्ति हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो जिसने भारत के हर नागरिक को अपने अपने भवनों पे तिरंगा फहराने की अनुमति दिलवाई थी पहले तिरंगा जो ना हर कोई अपने भवन पे नहीं लगा सकता नहीं फहरा सकता था ठीक है और पहले सिर्फ जो सरकारी इमारतें थी वहीं पे जो है तिरंगा फहराया जाता था लेकिन नवीन जिंदल ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और यह हक प्रत्येक नागरिक को दिलवाया कि वो तिरंगा अपने किसी भी संस्थान पे किसी भी घर पे जो है वो फहरा सकता है ठीक है तो नवीन जिंदल और नवीन जिंदल जो है इनकी पत्नी है शालू जिंदल शालू जिंदल बहुत अच्छी नृतांगना है बच्चों क्या है बहुत अच्छी डांसर है नृतांगना है कौन शालू जिंदल सिटी ऑफ कॉटन के उपनाम से किसे जाना जाता है बच्चों सिटी ऑफ कॉटन सिटी ऑफ कॉटन के उपनाम से किसे जाना जाता है जरा कमेंट करके बताना वेरी गुड बच्चों वेरी गुड पलवल को जानते हैं बच्चों हालांकि सबसे ज्यादा कपास कहां होती है सबसे ज्यादा कपास होती है बच्चों सिरसा में लेकिन हमारी जो सरकार है वो एक तो सुगर सिटी के रूप में पलवल को विकसित कर रही है और सीगर सिटी जो है बच्चों वो रोहतक भी है ठीक है इन दोनों को विकसित किया जा रहा है और कॉटन सिटी के रूप में पलवल को जो है वो विकसित किया जा रहा है बच्चों ठीक है हिसार फतेहबाद फतेहबाद में भी काफी होती है फतेहबाद को पिंक सिटी कहते हैं ना पिंक सिटी प्राचीन नाम बच्चों इसका इकदार था इकदार अभी एचएससी ने अभी भी पूछा था प्राचीन नाम पाणिनिक में यही नाम मिलता इकदार था इसका प्राचीन नाम पिंक सिटी या हरियाणा का गुलाबी नगर जो है गुलाबी नगरी वो कहलाता है कौन फतेहाबाद बच्चों प्राचीन समय में इसको नाम नगरी भी था क्या था उद्यानगरी बी सी का नाम था और इकदार भी पिंक सिटी भी ये और बता दीजिए फिर सेशन को विराम दे दें आज वेरी गुड बच्चों जुड़वा शहर जो है ना जुड़वा शहर वो यमुना नगर जगादरी है क्या है यमुना नगर जगादरी सिटी ट्विन सिटी तो बच्चों यमुनानगर का प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर अब्दा अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध था टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है बच्चों एशिया की सबसे बड़ी सुगर मिल सरस्वती सुगर मिल कहा है यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी जो कागज मिल है बच्चों पेपर मिल वो भी कहा है यमुनानगर नगर में इसलिए इसको पेपर पेपर सिटी सिटी भी कह कहते थे क्या या कागज नगरी जो है वो इसको कहा जाता है जगाधरी को ब्रास सिटी कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं ब्रास सिटी या पीतल नगरी और पीतल नगरी आप सभी जानते हैं बच्चों पीतल नगरी किसे भी कहते हैं पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी को भी कहा जाता है प्राचीन नाम इसका योगेंद्र से जगाधरी बना ऐसा कहा जाता है योगेंद्र या योगेंद्री जो शब्द है इससे जगाधरी और जो यहां पे जो शताब्दी एक्सप्रेस जो बच्चो उसका मरम्मत कार्य जो है वो कहां पे होता है जगाधरी में होता है शताब्दी एक्सप्रेस तो का तो यहां पे रेलवे की वर्कशॉप भी कहा है जगाधरी में है और बच्चों अंबाला और अंबाला कैंट भी ट्विन सिटी है अगर ये ऑप्शन में ना हो ना तो ये भी ध्यान रखना अंबाला और अंबाला कैंट जो है ना ये दोनों भी क्या हैं ट्विन सिटी है, जुड़वा शहर और आने वाले समय में आपको हासी और हिसार भी क्या दिखाई देंगे ट्विन सिटी जुड़वा शहर तो ये भी ध्यान रखना कद एक के ऑप्शन गलत पड़े रहो तुम ठीक है तो बच्चों आज का हमारा सेशन जो है वो यही समाप्त करते हैं बच्चों और कल जो है ना कल कल हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे बच्चों सारे टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े होंगे केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल से वहां पे नोटिफिकेशन दे देंगे शाम को तो कल संडे है क्लास नहीं हो पाएगी केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहिए शाम को तो नहीं हो पाएगी बच्चों तो दिन में हो सकता है साढ़े दस के आसपास जो है क्लास हो जाए साढ़े दस के आसपास क्लास हो जाती है हाँ पीडीएफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे चिंता मत करो राजू मेला तो दिन में तैयार रहना बच्चों हो सकता है साढ़े दस के आसपास जो अपनी क्लास हो जाए कल दिन में ठीक है तो यह चीज जरूर ध्यान रख लेना और बच्चों ऑनलाइन कोर्स अगर कोई बच्चा लेना चाहता है ऑनलाइन कोर्स जो है वो केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे लाइव कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम लेकर आए हैं जिसमें कि एच एस एस सी सीई टी -E का बैच है ग्राम सचिव पटवारी का बैच है इसके अलावा दुर्गा शक्ति का बैच है और कुछ इंडिविजुअल बैच है जिसमें रीजनिंग का बैच है इंडिविजुअल में कंप्यूटर का बैच है इंडिविजुअल में मैथ का बैच है इंडिविजुअल में ठीक है तो ये आप जो है प्ले स्टोर पे जाके जो वहां से डाउनलोड करके और वहां उसमें डेमो क्लासेस आप जो है देख सकते हो बच्चों और जिसको भी चाहिए कि मुझे करना है अच्छे से तो वो जो है वो वहां पे कर सकता है और ऑफलाइन में भी बच्चों क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एच टेट सी टेट एस टेट सी टेट के लिए इसके अलावा दुर्गा शक्ति का स्पेशल बैच लड़कियों के लिए बच्चों और इसके अलावा कमांडो वगैरह एसएससी वगैरह वो तो चल ही रहे हैं और जो है संस्कृत जो पीजीटी है स्क्रीनिंग संस्कृत पीजीटी स्क्रीनिंग का स्पेशल बैच जो है वो चला हुआ है कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो जो है वो हाँ नोटिफिकेशन डाल देंगे दीपक मान कि साढ़े दस के आसपास कल हो सकती है दिन में क्लास ठीक है तो अब है हमें इजाजत दीजिए तो बच्चों एक बार सारे मेरे साथ बोलिए जे हेन